चावल काफ़ी ज़्यादा आते हैं इसमें, चावल डालते हैं फिर दाल डालते हैं फिर चावल फिर शामी फिर अंडा। 300 की दो प्लेटें आएंगी। ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे जी मटका दाल चावल है, ये सारी गुजरावाला में ये पीपल कॉलोनी है और ये इनकी यहाँ पे लोकेशन है। ये सारी यहाँ पे जो है खाने पीने की मार्केट है, ठीक है। लेकिन जो सबसे नायाब चीज़ इस मार्केट में वो है जी मटका में जो दाल चावल है। तो चलें शुरू करते हैं। तो इस शॉप के ऑनर से बात करते हैं उसे। अच्छा सर, आपका ये माइंड में किस तरह ये ख्याल आया ये वाला जो मटका है का, ये आपने एक स्पेशल चीज यहाँ पे दिखाई है ये वाली? मैंने ये स्पेशल चीज दिखाई है जी जी। ये गुजरा किसी के पास, बिल्कुल किसी का, हम भी बड़ा मुश्किल पूछ के ढूंढ के आए आपके पास। मिट्टी के बर्तन मेरे पास है जी जी, बिल्कुल। मैं खाना भी सुनना है, डिफरेंट है, घर की बनी हुई है। अच्छा सब घर में तैयार करते हैं आप, ठीक है। ये देखे जी इनका ये सेटअप है जी, इनका ये कुछ है जी मिट्टी की और वो मटका वगैरह पड़ा हुआ है इनका। अच्छा सर हमारे लिए ये क्या है, ये बिरयानी है कि क्या, कौन से चावल है ये? सादे स्टीम वाले चावल है, सबसे स्पेशल चावल जो होते हैं। अच्छा स्टीम वाले स्पेशल चावल है, ठीक है जी। ये हमारा एक लगाया है, खाना तो हमने कहा इसमें ये देखें, इसमें वो मिट्टी की जो है ना ये यूज करते हैं जो बिल्कुल भी सेहत के लिए भी अच्छी चीज है। ये आ गई जी ये चावल आ गए। अच्छा ये सर क्या, ये हलीम है, ये क्या है? ये अच्छा सिर्फ मिर्चों वाली दाल है, ये काली मिर्च वाली दाल है, ठीक हो गया। जबरदस्त खुशबू भी बड़ी प्यारी जबरदस्त किस्म की आ रही है, वाह जी वाह जबरदस्त, क्या बात है। बिल्कुल जो दाल में हलीम का टेस्ट होगा वो वाली नहीं है ये बिल्कुल डिफरेंट चीज मिलेगी, बिल्कुल 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 पता चल रहा है। ये आ गया जी सैलड, बिल्कुल भाई जान ने बहुत जो है ना सफाई तो हर चीज का बहुत है। ये कौन सी चटनी है? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा व्यूज बाकी इसमें अंडा वगैरह डलवा सकते हैं। और ये इस चीज़ की बात करते हैं, इसमें चावल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसमें चावल डालते हैं फिर दाल डालते हैं फिर चावल फिर शामी फिर अंडा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है देखो, इसलिए तो हमने ये मैंने ये वाला नहीं किया। ले व्यूज मटका तैयार होने लगा है और ये इसमें आ गए, देखें जी राइस आ गए। इसमें दो प्लेटें आएंगी 300 की, दो प्लेटें आएंगी, ठीक है जी। वो कहते हैं जी हम डिस्पोजिबल में नहीं देते, डिस्पोजिबल में एक तो सेहत के लिए नहीं अच्छा, क्यों सर? सेहत के लिए भी नहीं अच्छा। वो कह रहे हैं जी हम रिकमेंड ही मटका को करते हैं कि मिट्टी में जो बनी हो चीज़, उन्होंने हाइजेनिक तरीके से जो इनकी पैकिंग है ये देखें बिल्कुल, कोई उन्होंने मतलब के जो उन्होंने एक जो होता है ना ये शॉप बैग वाला, ये भी आपको पता है हीट हो तो गर्म ये नहीं अच्छा, ये उन्होंने एल्युमिनियम लगाया हमारा टेस्ट का है, तो ये ऑलरेडी हमारे साथ है तो ये बाकी इसका टेस्ट करते हैं आपको बताते हैं। चलें जी आप इसको रिव्यू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को इसका टेस्ट किस तरह का। ये थोड़ा सा दाल चावल लेते हैं, ये रायता वगैरह खा रहा हूँ, चटनियाँ दी हैं अपने जी जी ज़रूर ज़रूर, वाह लाजवाब। अब तो सर बोल दे बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आ रहा है, ये दाल चावल तो मैं सच में जैसे घर पे नहीं खाते जी, वैसा ही टेस्ट बिल्कुल जो है ना ये हलीम वाला, कोई इसमें चक्कर नहीं है, बिल्कुल सिंपल दाल है ये, और तरह की दाल है ये। वाह ये जो चटनी है ना इनकी ग्रीन चटनी, ये भी एक बहुत ही यूनिक सा टेस्ट लेके आ रही है, क्या ऐड कर रही है, मज़ा आ गया। और व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक यू।